प्रकाश देखने वाले तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, आज हम बात करेंगे पंजाब की। जैसे आपको पता है कि पंजाब के अंदर नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और सरकार ने भी अपनी वार्डबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब यहाँ पर देखना है कि जैसे हम सबको पता है कि प्रदेश के अंदर कोई भी सरकार शहर और ग्रामीण वोट बैंक पर टिकी होती है। जब हम ग्रामीण की बात करते हैं तो वहाँ पर पंचायत इलेक्शन होते हैं, सरपंचों के इलेक्शन होते हैं। जब हम बात करते हैं शहरी की तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन होते हैं। लेकिन पंजाब विधानसभा में अभी एक साल पड़ा है इलेक्शन के अंदर, लेकिन वो तो फाइनल है, लेकिन हम इस इलेक्शन को सेमी फाइनल इलेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा इलेक्शन था उसकी और आज की जो मौजूदा राजनीति, श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन था लेकिन मौजूदा स्थिति के अंदर ये गठबंधन बिल्कुल टूट चुका है पंजाब के अंदर। अब यहाँ पर ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती रहती है कि हमारा वोट बैंक शहर के अंदर है और श्रोमणी अकाली दल का वोट बैंक ग्रामीण के अंदर। अब इन इलेक्शनों के अंदर ये भी देखने को आएगा कि श्रोमणी अकाली दल जो शहरी वोट के अंदर कितनी सेंध लगाता है और जो भारतीय जनता पार्टी अपना शहरी वोट है किस हद तक समाके रखती है। रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है लोकल बॉडी इलेक्शंस के अंदर। उन्होंने नगर निगम के इलेक्शन के अंदर ये कहा कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है, कि यानी कि इन इलेक्शनों में जो पार्षद होंगी 50% लेडीज होंगी। अब यहाँ पर देखने में ये भी आएगा कि जो महिला शक्ति है वो इन इलेक्शनों में किस हद तक काम करेंगी, क्या उनके कूदने से, उनके ज्यादा काम करने से क्या वोटिंग सेंटर यहाँ का बढ़ेगा। और यही बात जो श्रोमणी अकाली दल की है, श्रोमणी अकाली दल में भी हम ये कह सकते हैं उस तरह का यूनाइट नहीं है, क्योंकि ढींडसा जी ने अपनी अलग से पार्टी बना ली है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये इलेक्शन किस हद तक जाएगा, लेकिन अब बहुत से लोगों के मन में भी संशय है। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो ये इलेक्शन है ये भविष्य की पंजाब की राजनीति तय करेगा। और ये भी हो सकता है कि ये इलेक्शन पार्टी सिंपल पर ना लड़ा जाए, लेकिन अगर पार्टी सिंपल पर लड़ेगा तो और स्थिति होगी। अगर पार्टी ये कहेगी कि हम पार्टी सिंपल पर नहीं इलेक्शन लड़ना तो उसकी स्थिति और होगी। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्शन सेमी फाइनल इलेक्शन होगा और ये इलेक्शन ये बताएगा कि कौन कौन सी पार्टी कहाँ कहाँ पर स्टैंड करती है। तो ये मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी पंजाब नगर निगम के इलेक्शन पर। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।